मल्टीप्लेयर 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 भाई, मल्टीप्लेयर के अंदर जितना दिन जा रहा है उतने तो अच्छा अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हो, उतना अच्छा अच्छा बॉलिंग कर रहे हो। पर देखते हैं आज के मल्टीप्लेयर के अंदर कितना अच्छा बल्लेबाजी कर सकता हूँ, कितना अच्छा बॉलिंग कर सकता हूँ। तो आ जाओ हम लोग देखते आज किसके बंद, आ जाओ गाइस देखते हैं आज किसके साथ खेलते हो। यहाँ पे मल्टीप्लेयर पर आज मैं सिंगल खेलूंगा, ठीक है? तो आओ फटाफट से आजा। इस बार देखते हैं कौन सा प्रो प्लेयर हम लोगों के साथ खेलने के लिए आता है। भाई हमारा भाई बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कुछ इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है भाई? पर बैटिंग के अंदर इंप्रूव हुआ है भाई, हमारा 74 था अभी 75 हो चुकी है, वो आ चुकी है वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग द प्लेयर। भाई कौन है भाई? पवन RCB। अरे भाई बेंगलोर का प्लेयर, मतलब बेंगलोर का सपोर्टर ही है। अब तो RCB के प्लेयर बहुत खुश होंगे। तो किसको सपोर्ट करोगे, मुझे या RCB को? ये फंस गया। पर इस बार मेरे को स्टेडियम सिलेक्ट करने का मौका आ गया भाई। स्टेडियम हम सिलेक्ट कर लिया पर टॉस सिलेक्ट करने का मौका अभी तक नहीं आया भाई, बहुत कम बार आई है। क्या टॉस कौन जीता? क्या टॉस भी हार गए? पर माइक ऑन कर ले तो सबसे बड़ी बात, अगर बातचीत हुआ तो अच्छी बात होगा यहाँ पे। चलो टॉस हम लोग जीत गए और इस बार हम लोग बोल ही लेंगे बैटिंग नहीं, ठीक है? पर भाई पवन RCB का जो जर्सी है देख के लग रहा है यहाँ पे भाई, ऐसे लाल जर्सी मत पहनना भाई, सांड पीछे पड़ जाएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारे पवन RCB का दोनों सांड उतर चुकी यहाँ पे। किस लिए भाई तारा मारने के लिए किसी और को ऑडियंस के अंदर। आज हम लोग कैसे बॉलिंग करवा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 ओवर का मैच है और तभी बॉलर्स मैंने बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे भाई। लेग साइड के अंदर बॉल डाला और मैंने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे, मल्टीप्लेयर के अंदर भाई हर एक प्लेयर भाई ये शॉट को बहुत ही फाइन तरीके से खेलते भाई। पर मैंने आज तक ये शॉट नहीं खेला भाई, क्या करूं मैं, मर जाऊं? पता नहीं कैसे खेलते भाई, मुझे भी सिखा दो ना। नहीं, रमन कुमार चक्रवर्ती भाई बहुत ही प्रो प्लेयर लगते भाई, क्योंकि इतना फाइन तरीके से खेल रहे। फिर से यॉर्कर बॉल को मार दी भाई, लगता है स्ट्रॉन्ग जोन पे हम लोग बॉल डाल रहे हैं यहाँ पे। दो दो बॉल में दो दो सिक्स मार दी यहाँ पे भाई, ये तो लगता है भाई मेरे से भी बहुत ही बड़ा प्रो प्लेयर है भाई। पर उस जोन पे और बॉलिंग नहीं डालेंगे इस पर। आगे डालते पति तो क्या होता है, फिर से खेलने गए थे इस बार भाई ट्रैप में फंस गया। ये ओ भाई इस बार तो नहीं बच पाया हमारे पवन कुमार चतुर्वेदी। सावन का महीना पवन नहीं करेगा शोर, ठीक है? अफटल भाई जोरदार विकेट लिया पहली बार इस मैच के अंदर, पुप्पा पा पा पा। पहले ओवर के अंदर भाई इतना रन चढ़ दी, मतलब 10 के ऊपर रन चढ़ दी यहाँ पे भाई। ओरे बाबरे, ओरे बाबरे, ओरे बाबरे, अरे भाई साहब भाई बैट कहाँ पे घुमाए और बॉल किधर जा रहे हैं यहाँ पे, लिटरली ये बॉल क्या कहलाता है? नहीं आप लोग बोलो ये बॉल क्या कहलाता है भाई, मतलब कुछ मजाक चल रहा है क्या? बॉल पीछे चला गया, एज ये बढ़िया था गुरु। मल्टीप्लेयर के अंदर यही सुविधा होता है भाई, मतलब हर बॉल के अंदर जी जान लगा मारो भाई, जो होगा देखा जाएगा। 10 विकेट बहुत बड़ा नंबर है भाई, पर यहाँ पे एक विकेट गवा दी। पर रन रेट चल रहा है 15.43। इच्छा सा शुरू, मतलब इससे अच्छा शुरू पता यार कहाँ पे हो सकता है मुझे बताइए थोड़ा। अभी तक दो ओवर खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे 26 रन चढ़ दी, एक विकेट नुकसान पे, पावर प्ले 1 चल रहा है और मैंने अभी वहाँ पे फील्डिंग हटाया भाई, अभी के अभी वहाँ पे फील्डिंग हटा के ऑफ साइड के अंदर लगाया भाई, वहीं पर मार दी भाई। मुझे लगता है भाई ये बंदा मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है भाई, क्योंकि मुझे जितना लगा। अभी हमारे लुंगी भाई को लाए बॉलिंग के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉलर है जो कि रन रेट पे यहाँ पे थोड़ा सा डाउन कर सकता है, वो है लुंगी NGT। पर अभी हम लोग थोड़ा फील्डिंग खोलेंगे, क्योंकि भाई 3 ओवर खत्म हो चुकी है, मतलब 2 ओवर खत्म हो चुकी है और पावर प्ले खत्म। फील्डिंग खोल देते हैं और अपना वर्ल्ड फेमस फील्डिंग सेटिंग स्लिप खड़ा कराएंगे यहाँ पे। चलो 15 का रन रेट, मतलब 15.50, मतलब 16 का अंडर चल रहा है। यॉर्कर बॉल के तरफ चौके में तकदीर कर दी यहाँ पे भाई। यॉर्कर किंग हमारा लुंगी एनगिरी नहीं है, बुमरा नहीं है, ये है भाई चंद्रमुखी। अबे साले क्या नाम था उसका? हाँ अच्छा, पवन कुमार चतुर्वेदी ऑफ RCB। हम लोग फिर से अपना वापस करते हैं यॉर्कर बॉल पे भाई। यॉर्कर बॉल पे मारना बहुत ही मुश्किल नहीं है भाई, यॉर्कर बॉल भी मार दी भाई। ये क्या चल रहा है भाई, इतना प्रो कैसे हो सकता है भाई? ऑडियंस देखो भाई उठा उठा के ताली मार रहे भाई, अरे मलेरिया की ताली बजा दो यार। नहीं मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ, ये बंदा प्रो नहीं है, प्रो का अंडा है भाई, लिटरली बोल रहा हूँ। 17 का रन रेट चल रहा है अभी यहाँ पे, आउट दैट, ये तो आउट है भाई, क्योंकि स्टेप आउट किया था। यस अंपायर हमारे साथ हमेशा, जिंदगी के बाद भी अंपायर इज LIC भाई, सॉरी। अभी देखते हैं, अरे भाई इन्होंने रिव्यू भी ले ली, मतलब एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं किया, ले लिया फटाक से रिव्यू यहाँ पे। चलो अंपायर देखते हैं, अंपायर तो मेरे साथ है भाई, अंपायर तो मेरे साथ है फिलहाल। अभी देखते हैं भाई आउट है कि नहीं, बस स्टेप आउट किया था और बॉल टर्न कर रहा था, मुझे जितना लगा यहाँ पे विकेट पे टच कर रहा है बॉल, मुझे जितना लगा यहाँ पे बैट पे तो टच नहीं हुआ भाई, सीधा जाके खेला यहाँ पे बैट पे, सॉरी पैड पे।
पर देखो यहाँ पे स्नीको भी दिखा रहा है, नहीं स्नीको पे नहीं दिखा रहा, बैट पे टच हुई। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है या इन है, ये देखना पड़ेगा। ऑरिजिनल डिसीजन तो आउट है भाई, पिचिंग आउटसाइड ऑफ मेरे साथ है बच्चे के दिल में। जी जी जी, इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ मार दी गला काट दी यहाँ पे। विकेट तो हिटिंग हो रहा है पर यहाँ पे इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ था। रिव्यू रिटेन, गई भैंस पानी में। भैंस पानी में क्या भाई, गई हमारे विकेट पानी में। रिव्यू रिटेन मतलब क्या, ये तो नॉट आउट है भाई। क्या 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 भाई, मैच में खेलने में प्रो, अभी रिव्यू में प्रो, सब जगह प्रो ही प्रो, सब प्रो कांडा का खेल। मतलब ये ओवर नहीं है भाई, पूरा तूफान आ चुके भाई। देखा भाई 12 बॉल के तो 33 रन दी, मतलब बंदा चाहता क्या भाई। ओ भाई क्या स्विंग, क्या बॉल भाई, अंदर के बाहर की तरफ। अभी हमारा न्यू बॉलर आया, पैरासिटामोल रसीद, क्योंकि भाई दवाई चेंज करना पड़ेगा। पर ये स्पिनर के दवाई के अंदर भी ये कुछ काम नहीं कर रहे भाई। भाई इसको कौन सा बॉल डालू, कौन सा तरीके से बॉल डालू भाई, हर बॉल के अंदर भाई इतना परफेक्ट तरीके से छह मार रहा है जैसे कि मक्खन लगा रहा है बैट के ऊपर। बात तो सही है, मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है भाई, कहाँ कहाँ बॉल डालना होता है, कहाँ कहाँ बॉल डालना नहीं होता भाई। लिटरली इस प्लेयर को देख के भाई मुझे भी एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्सपीरियंस होते होते कब हम लोगों ने एक विकेट निकाले किसी को पता नहीं चला। पे हमारे दूसरा विकेट आ चुकी है फाइनली। ओ भाई इस प्रो प्लेयर को भाई एक बार तो आउट कर पा रहा भाई, यहाँ पे 50 नहीं कर पाया पोलार्ड की तरफ से। जा देवा बहुत मारेगा, मार दिखा दिखाऊ अपने हाथ की गर्मी। अभी हमारे पवन कुमार चतुर्वेदी की टीम से यहाँ पे न्यू बल्लेबाजी करने आ चुकी है कोलिंदा मुंडरो। पहली बॉल खेलने गया और पहली बॉल में आउट हो गए। मैं पहली बॉल में आउट है क्योंकि बॉल हवा में, ऑडियंस का सन्नाटा इज इक्वल टू आउट। ठीक है, हमारे पैरासिटामोल रसीद के ओवर क्या बोला तूने, पैरासिटामोल रसीद के ओवर के अंदर ये बोला मैंने के अंदर भाई आज इतना सारा विकेट मिल गया, मतलब 2 विकेट मिल गया भाई, बहुत होता है। ठीक है, तो अक्टल की तरह इज्जत पिज्जत फेंको यार, तो फेंको यहाँ पे फेंको। अरे पवन जी लेफ्ट क्यों कर रहे हो भाई, मैच खेलो। अरे पुष्पा आ चुकी है फिर से, झुकेगा नहीं फिर से मैच के अंदर, काटेगा नहीं। चलो अभी न्यू बल्लेबाज आई है पेरेरा, क्या बात है। अभी स्ट्राइक पे है एरन फिंच, ओ हमारे बॉलिंग करने है पी सिडिल, मतलब पी मिडिल बॉलिंग करेगा। ओ फुल टॉस बॉल बना दी भाई, बॉल को बना दिया पूरा फुल टॉस भाई। भाई इतना आराम से मक्खन की तरह शॉट कैसे लगाते भाई, प्लीज मुझे भी ऐसा शॉट खेलना है भाई, कैसे खेलूं। अरे कैमरा यहाँ पे डिस्को डांसर क्यों कर रहे भाई, अरे कैमरा अटक क्यों रहा है, अरे मेरा कैमरा सॉरी अरे मेरे कैमरा को क्या हो गया, रुको। हमारे पवन कुमार चतुर्वेदी फास्ट बॉलर को बहुत सही खेलता है। वाह वाह वाह, मैंने जिंदगी में फ्रेंच फ्राई नहीं खाया पर यहाँ पे मैं फ्रेंच का सिक्स खा रहा हूँ यहाँ पे। क्या बोला तूने भाई, क्या जोक था भाई, फ्रेंच का फ्राई नहीं खाया, फ्रेंच का सिक्स खा रहा हूँ, ओपी रे। लिटरली मजाक में यहाँ पे 68 रन हो चुकी है। मैंने फिर से गलती कर दी, उसके स्ट्रॉन्ग जोन पे बॉल डाल दी। लिटरली भाई ये सावन का महीना में पवन तो शोर कर रहा है, पर ऑक्टल क्या शोर मचा पाएगा इस मैच के अंदर, सेकंड इनिंग्स के अंदर, क्या लगता है आप लोगों को। ये हमारा आज का लास्ट बॉल है फास्ट इनिंग्स के अंदर, इसके बाद मुझे इतना रन डिफेंस मतलब चेस करना पड़ेगा। कुशल आई के पेरेरा, अरे बाप रे 2 बॉल के अंदर 6 रन जड़ दी। लास्ट बॉल के अंदर भी 6 मार दी, मतलब इस बंदे को भी रहा नहीं जाता भाई, जब तक हर बॉल के अंदर 6 ना मारे मुझे भेज देना कर दे भाई साहब। कितना रन चेस करना पड़ेगा भाई, 8 रन चेस करना पड़ेगा। मेरे लिए तो बहुत है भाई, ये मैच होगा एकदम डेडली मैच होगा भाई लिटरली, क्योंकि 3 विकेट के नुकसान पे 80 रन हमारे पवन भाई, और मुझे करना पड़ेगा 81 रन 30 बॉल के अंदर। भाई ये तो बहुत कम ओवर है भाई, कम से कम 30 ओवर तो दो रे यार। अबे साले, अभी हमारे दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ चुकी है, एक है चोची की लोची और है उसका चाचा उस्मान खवाजा। मतलब ऐसे ही मजाक करता, कोई बात नहीं। अभी उन लोगों की ओर से बोलिंग, मतलब हमारे पवन कुमार चतुर्वेदी से बोलिंग करने यहाँ पे क्रिस मॉरिस। देखो भाई 30 बॉल के अंदर 81 रन करना पड़ेगा, मतलब बहुत टफ है। पर अभी यहाँ पे फील्डिंग सेट हो रहा है, मतलब इसका भी कुछ फील्डिंग का तरीका है, पर मुझे बेशक पता है भाई ये ट्रिक लगा के फील्डिंग सेट कर रहा है, मतलब ट्रिक लगा के बॉलिंग करेगा, ट्रिक लगा के फील्डिंग सेट करेगा। अगर नहीं हुआ तो मेरा नाक काट देना भाई, ठीक है। वरना तेरे को डर नहीं लगता, देख लो भाई यहाँ पे फील्डिंग क्या सेट किया भाई। अब मुझे लगता है भाई ट्रिक लगा के बॉलिंग करेगा, अगर भाई ये सब चीज बुरा है भाई, ट्रिक लगा के भाई बोल मैच खेलोगे तो भाई कैसे मजा आएगा भाई, मतलब दोनों तरफ से भाई ठीक तरह से मैच भी नहीं होगा, मैच हो जाएगा वन साइड से मैच हो जाएगा। आप लोग बोलिए सही है क्या ट्रिक लगा के बॉलिंग करना, क्या करूं मैं मर जाऊं। हम लोगों को कुछ भी करके भाई एक बॉल भी डॉट नहीं जाना चाहिए भाई, तभी हम लोग के अंदर बहुत प्रेशर आएगा इस मैच के अंदर भाई। बॉल हवा में भाई लगता है चौका जाएगा, फील्डर पे मौजूद था भाई, उसको पता था भाई फील्डर पे मौजूद है, रखना पड़ेगा क्योंकि मैं वहां पे मारूंगा। लो भाई पहला विकेट हम लोगों ने गवा दी आज का इस मैच के अंदर, उस्मान खवाजा वापस जाएंगे अपने डगआउट पे। तेरा तो गेम बचाना पड़े, मैंने क्या बोला था यहाँ पे ट्रिक लगा के बॉलिंग कर रहा भाई, मतलब हर बॉल को सिर्फ वही लेंथ पे डाल रहा भाई, वही लेंथ पे डाल रहा भाई हर बॉल को, पर मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे, लगा दिया पे चौके। गाइस यहाँ तक देख लिया तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि रियल क्रिकेट 22 लॉन्च कर चुकी है तो टॉक्सिक कॉन्टेंट आने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो,
अभी तक हम लोगों ने इस ओवर के अंदर 5 रन जड़ दी। बहुत ही खराब शुरुआत किया हम लोगों ने, पर चिंता मत करो अभी भी 4 ओवर बाकी है, हम लोग अच्छे से बल्लेबाजी कर सकते हैं। फिर से डॉट गेंद, क्या सेम टू सेम बॉलिंग करेला, चीटिंग करता है तू। मैं चाहता हूँ भाई ये गेम प्ले अपना पूरा देखो भाई, तभी पता चलेगा ये बंदा कितना हरामी है भाई। अरे जितना हरामी हो ऑक्टल उससे बड़ा हरामी है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे भाई उसके भी छोड़ने नहीं वाला। जोफ्रा अच्छे को दिखा दिया पे मच्छर घुसने का रास्ता, मतलब हो गई ना पहली बॉल में चौका। इसके मुंह में पैदाशी सुपर ही है, ये तोतला चौके पे चौका सोने पे सुहागा भाई। कुछ तो आगे बॉल डाल ले, कुछ तो पीछे बॉल डाल ले भाई, एक ही लेंथ पे बॉलिंग डाल रहे यहाँ पे। पर हम लोग भी नहीं छोड़ने वाले यहाँ पे, ठीक है। शॉट बोले तो देखो आप लोग बोलोगे कि भागटल भाई हार बॉल को लॉफ्ट खेलो, अगर हार बॉल को लॉफ्ट खेलना है तो बाकी दो बटन क्यों दिया है भाई, मुझे बताओ। पुश और स्ट्रोक उसको भी खेलना चाहिए भाई, उसको भी इस्तेमाल करो तब तो पता चलेगा आप प्रो हो या नूब। सेकेंड ओवर खत्म होने के बाद यहाँ पे 17 रन एक विकेट का नुकसान भी, बहुत बुरा हालत भाई हम लोग का, बहुत बुरा हालत है। फिर भी हम लोग भाई हर बॉल के अंदर भाई बाउंड्री बटन का ट्राई कर रहे हैं पर नहीं कर पा रहे भाई, पता नहीं कौन सा मतलब तांत्रिक मंत्रिक कर दिया भाई। बच गया भाई, आउट होते होते भाई यहाँ पे। अरे भाई क्या बॉलिंग करेला ये बंदा, पूरा अंधा हो चुका है, लिटरली बोल रहे हैं यहाँ पे। मतलब एक बार मैं मार रहा हूँ एक बार फील्डिंग सेट कर, एक बार मार रहा हूँ एक बार फील्डिंग सेट कर रहे हैं, पर मैं तो हूँ भाई उससे भी ज़्यादा प्रो भाई, ठीक है। गैप ठीक तरह से मैं निकाल लूंगा और घुसर दूंगा पे चौके, ठीक है। चौके मेरे हाथ से निकलता है ऐसे भाई, पैसों की तरह हाथ का मैल है, हाथ का मैल की तरह चौके है भाई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी अभी ना क्या है भाई, बोल देता अभी अभी इतना सारा चौका निकल गया शरीर से। पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया पे, हमारे रोची यहाँ पे ओपनर अभी तक खड़ा है भाई, मतलब 9 बॉल के अंदर 17 जड़ थी, मतलब अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहा है। रन तो आ रहा है पर बाउंड्री नहीं आ रहा है पे, जो होगा देखा जाएगा, मारो भाई जो होगा देखा जाएगा, पर फील्डर नीचे मौजूद। इस बंद को पता है भाई मैं कहाँ पे मारने वाला हूँ, वहाँ पे फील्डिंग सेट करता है ये। भविष्यवाणी कैसे करता है मुझे बताओ। नहीं एस खान नाम तो सुना ही होगा, 12 बॉल के अंदर चाहिए 54, मैच होगा यहाँ पे ताबड़तोड़ क्योंकि ऑक्टल भाई ने जोड़ दिया यहाँ पे और एक चौका, मचाएगा शोर क्योंकि ऑक्टल भाई जोरदार मल्टीपल हो रहा है और एक बार। चलो भाई कुछ तो अकल है भाई, मतलब अच्छा खासा बॉलिंग कर रहे हैं। फिर से कट शॉट, अरे 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 भाई साहब, रोची ने यहाँ पे क्या कर दी हम लोगों ने, रोची के साथ पूरा लोची बेल दी यहाँ पे, पूरा हिट करा विकेट पे, एक्चुअली हिट करा यहाँ पे, बात तो सही है। अभी जे वाइंस को लाए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, हमारा लास्ट एक्चुअली बल्लेबाज है क्योंकि श्रेयस अय्यर न्यू है, जे वाइंस भी न्यू है यहाँ पे, हमारे दो ही एक्चुअली लास्ट बल्लेबाज है, इसके पास सब बॉलर है भाई, पर इस साइड खा लिया है तो आराम से खेलेंगे और मिलेगा यहाँ पे आराम से कि चौके पे चौका भाई। पर मुझे पता नहीं था भी अभी खा लिया था भाई, मैं देखा ही नहीं था पर अभी अभी देखा भाई। अरे बाप रे भाई, मतलब ये जो प्लेयर है ना भाई, थोड़ा नूब है और बहुत ज्यादा प्रो है, और मैं थोड़ा प्रो हूँ बहुत ज्यादा नूब हूँ। तो इस ओवर के अंदर एक चौका आ जाएगा, नेक्स्ट ओवर के अंदर भाई 6 बॉल के अंदर 6-6 मार देंगे तो बस मैच खत्म, मैच हमारे मुट्ठी में। हसदे चेहरे का मतलब यह नहीं होंगे कि कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब यह होंगे कि तकलीफा नाल डील करना होंगे। उठा ले रे बाबा, अभी हम लोग सब लोग आ चुके हैं लास्ट ओवर के अंदर यहाँ पे। नथन लियोन भाई, लियोन का नाम सुनते किसी और का नाम याद आ रहा है, आप लोग को पता है क्या, प्यारी समझ गई। बॉलिंग भाई क्या स्पिन किया रे बॉल भाई, इस बॉल को हम लोग भाई बहुत ही ध्यान से बहुत ही आराम से खेलते, बहुत ही परफेक्ट तरीके से खेलते भाई, पर आज क्या हो गया भाई, बॉल गिरते ही पूरा चला गया पूर्व दिशा के अंदर। ये मैच तो पूरा हाथ से हमारा निकल चुकी है, पर अगर नो बॉल व्हाइट बॉल डालते रहा तब तो भाई मजा आ जाएगा। 4 बॉल करना चाहिए 44 रन मैच को जीतने के लिए, अभी बाकी है सिर्फ 3 बॉल। ये एक्चुअली हमारा लास्ट मैच है हमारा मल्टीप्लेयर 2022 रियल क्रिकेट 20 के अंदर, इसके बाद सीधा जाएंगे हम लोग रियल क्रिकेट 2022 के अंदर। आज हमारा लास्ट 2 बॉल बाकी है इस मैच के अंदर, 126 का रन रेट भाई। अरे आउट कैसे हो सकता है मुझे बता। ओ भाई साहब अंपायर ने आउट भी दे दिया भाई, वाह 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 वाह, उस टाइम पे मेरे को आउट नहीं दिया था, इस टाइम पे उसको आउट दे दिया भाई, कौन किसके साथ मिला हुआ है पता नहीं यहाँ पे, पर हमारे पास रिव्यू है तो रिव्यू लेंगे। लास्ट बॉल है तो क्या हुआ, रिव्यू लेके तब हम मैच को खत्म करेंगे, हम मैदान छोड़ के नहीं जाते भाई, ठीक है, हम ऐसे खिलाड़ी नहीं है। चलो देखते हैं आउट है कि नहीं यहाँ पे, बच्चे के दिल में नो बॉल डाला क्या भाई, नो बॉल प्लीज डाल दे अच्छा होगा भाई। यहाँ पे टच हुई है, अरे भाई बैट पे टच हुई यहाँ पे, अरे बैट पे टच हुई दिखा रहे यहाँ पे, आउट कैसे दे दी भाई मुझे बताइयो। पिचिंग आउटसाइड ऑफ यहाँ पे और इम्पैक्ट आउटसाइड, ओ माय गॉड, बच क्या भाई, आज पूरा इम्पैक्ट के ऊपर गेम प्ले चल रहा है भाई लिटरली। उस टाइम पे मतलब पहला इनिंग्स का इम्पैक्ट ने बचा दिया था उसको, इस टाइम मेरे को बचा दिया यहाँ पे भाई, कौन किसके बचा रहे है भाई, कौन किसके साथ है भाई, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। रिव्यू रिटर्न मी, तो भाई विकेट बचा लिया हम लोगों ने इज्जत से, अभी और एक बॉल बाकी इस मैच के अंदर, और अंपायर माफी मांगो और अपना उंगली मत दिखाओ ऐसे ही छोड़ दो, हाँ इज्जत
आज का हमारा लास्ट बॉल इस मैच के अंदर भाई। भाई मैं सब लोग को दुखी होना चाहिए पर मैं यहाँ पे बिल्कुल दुखी नहीं हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है भाई कि हम लोग ये मैच को जीत सकते थे पर इन्होंने पहले ओवर से बहुत सारा ट्रिक यूज किया था। पर क्या कर सकते हैं भाई, 41 रन से यहाँ पे पवन चौधरी, कुमार चतुर्वेदी, आरसीबी ने मैच जीत ली और हम लोग मैच हार गए खुशी खुशी। शाबाश बेटा। पवन कुमार चतुर्वेदी आरसीबी ने 41 रन से मैच जीत गए पर हम लोगों ने आज बॉलिंग ठीक ठाक किया पर बैटिंग थोड़ा ढीला पड़ गया और कारण पोलार्ड विद पवन कुमार चतुर्वेदी मैन ऑफ द मैच आज का। वाओ, देखो मैच के अंदर हार जीत चलता रहता है भाई पर ट्रिक यूज करके जीतना ये सबसे बुरी बात है भाई। बात तो सही है। तो सुनने में आया कि आज डीएलके के 22 का अर्ली एक्सेस आ चुकी है प्ले स्टोर के अंदर, तो अभी हम लोग डाउनलोड करेंगे पीसी के अंदर। मेरे पास मोबाइल है पर मेरे पास 3GB वाला मोबाइल है भाई, उसके अंदर डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो देखते हैं पीसी के अंदर डाउनलोड होता है या नहीं या चलता है या नहीं। तो भाई 98% यहाँ पे हो चुकी है डाउनलोड, 510MB का गेम है, क्या बात है, पीसी के अंदर 510MB का गेम है, क्या बात है, ये तो बहुत ही छोटा साइज है भाई। पर देखते हैं अभी गेम चल पाते हैं, मोबाइल के अंदर भाई सो नहीं करेगा, जिन लोगों के पास 3GB मोबाइल है उन लोगों के फोन में सो नहीं करेगा और बहुत ही हैंग करेगा जितना तू लगता है, पर हाई ग्राफिक्स में तो खेल नहीं पाओगे जितना लगा यहाँ पे। पर प्ले करने की ट्राई करते हैं हम लोग, चलता या नहीं, अरे नहीं चल रहा है लगता है, पीसी के लिए अभी तक आया नहीं है मतलब, अरे भाई नहीं चलेगा, मुझे लगता है नहीं चलेगा, यही प्रॉब्लम हो रहा है भाई, यही प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं चलेगा। ठीक है अभी तो सिर्फ अर्ली एक्सेस आई है, अभी जब पूरा गेम आ जाएगा तब भाई मजा ही हो जाएगा, तब तो भाई कंटेंट ही कंटेंट, टॉक्सिक कंटेंट आता रहेगा भाई। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो भाई, आज का मैच अच्छा लगा तो भाई एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, इसके बाद तो रियल गेम 22 का कंटेंट ही कंटेंट होगा। फिर किस बात की भाई, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके जाना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज रियल गेम 22 के अंदर। भाई ये तो बहुत कम उम्र है भाई, कम से कम 30 ओवर तो दो रे यार।